MSME लोन इन 59 मिनट्स। ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें 59 मिनट यानी कि लगभग एक घंटे के अंदर में लोन सैंक्शन हो जाता है। जी हाँ, ये भारत सरकार का स्कीम है। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्कीम का आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितने तक का लोन आपको मिलेगा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोन लेने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ MSME बिजनेस लोन इन 59 मिनट्स। इसका जो लिमिट है, इसका जो अमाउंट का लिमिट है, वो है बेसिकली 10 लाख से लेके 5 करोड़ के बीच का लोन का अमाउंट का लिमिट है। इससे पहले ये लगभग 1 लाख से 1 करोड़ का था, अभी के डेट में ये चेंज हो गया है। 10 लाख से लेके 5 करोड़ तक का अगर लोन का रिक्वायरमेंट है तो आप इस वाले स्कीम में आइए। अगर आपको 10 लाख के अंदर में ज़रूरत है तो मुद्रा लोन में चले जाइएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं और आपको 25 लाख तक का रिक्वायरमेंट है तो PMEGP स्कीम में चले जाइएगा। अगर आपको 2 करोड़ लोन तक का रिक्वायरमेंट है एंड आपके पास कोलेटरल का इशू है तो आप CGTMSE स्कीम में आप चले जाइएगा। इन सारे स्कीम से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम फोकस करते हैं MSME बिजनेस लोन इन 59 मिनट। कई बार इसको PSB लोन इन 59 मिनट भी कहा जाता है। आप इस लोन को किस किस चीज़ों के लिए ले सकते हैं? तो सबसे पहला इसमें आ गया आपका बिजनेस एक्सपेंशन, दूसरा हो गया परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तीसरा हो गया वर्किंग कैपिटल, यानी कि अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है एंड आपको सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए तो आप MSME बिजनेस लोन इन 59 मिनट में आप जाइए। नेक्स्ट हो गया इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि अगर आप कोई ऐसा फैक्ट्री का, आप दोबारा फैक्ट्री आप स्थापित करने जा रहे हैं जहाँ पर आपको ठीक ठाक अमाउंट का रिक्वायरमेंट हो, 1 करोड़ 2 करोड़ या 20 लाख 50 लाख, ऐसे आपको फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जगह चाहिए, उसको बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, आप उसके लिए भी इस लोन में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी लोन के लिए आपको एक मेजर डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है, उसका नाम है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और उसमें भी DPR बनता है। इस वाले केस में 5 करोड़ तक का कोई सा भी लोन होगा तो उसमें DPR बनता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ये हमारी खुद की एक कंपनी है myprojectreport.com, जिसके थ्रू हम आपको आपके लिए कस्टमाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बना कर देते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो वहां से जो भी बना हुआ प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर नहीं मिला तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करके देंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए और हम आगे बढ़ते हैं कि ये MSME बिजनेस लोन इन 59 मिनट और किस किस चीजों के लिए मिलता है। नेक्स्ट इसमें आ गया टेक्नोलॉजी अपडेट। कोई ऐसा काम है जिसमें आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको अपग्रेडेशन का रिक्वायरमेंट है तो आप इस लोन में जाइए। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्केलिंग ऑपरेशन, वाह ये जबरदस्त चीज है, यानी कि आपका बिजनेस चल रहा है और आपको सिर्फ स्केल करने के लिए, आपको जैसे कि आप डोमेस्टिक मार्केट में आप काम कर रहे थे तो आप उसको स्केल करने के लिए, आप उसको एक्सपेंड करने के लिए भी आप MSME बिजनेस लोन 59 मिनट में आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट सर्विस एक्सपेंशन, और सबसे लास्ट हो गया बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन। ये समझिए बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन क्या है, एग्जांपल के तौर पे फिर से मैं बात करूंगा। जैसे आपने कोई एक ऐसा फैक्ट्री खोला था, फ्लाई ऐश ब्रिक्स का फैक्ट्री खोला, लेकिन आपको बाद में आटे का फैक्ट्री भी खोलना है, फ्लोर मिल का, तो आपका बिजनेस बेसिकली डाइवर्स हो रहा है। काम तो कुछ और कर रहे थे लेकिन अभी दूसरे में जाना है, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी आप MSME बिजनेस लोन इन 59 मिनट के थ्रू आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बैंक का नाम बता देता हूं, कौन कौन से बैंक के थ्रू आप लोन ये प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, वैसे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उन सारे बैंक के थ्रू आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट सरकार ने कुछ बैंकों के लिस्ट बता दिए हैं, आपको उन्हीं बैंकों के थ्रू आपको अप्लाई करना है। तो ये रहा लिस्ट। सबसे पहले ICICI, PNB, यस बैंक, फेडरल बैंक, कोटक बैंक, यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, SIDBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडसइंड बैंक, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, IDFC बैंक, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, सारस्वत बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। यानी इन सारे बैंकों के थ्रू आपको MSME बिजनेस लोन इन 59 मिनट के थ्रू आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपको लोन मिल जाएगा। तो काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि किस बैंक के थ्रू अप्लाई करें, तो आपको लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी। लोन तो आपने अप्लाई कर दिया, अब आपको लोन किस बेसिस पर मिलेगा, इसके लिए भी इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ। सबसे पहला कि जो भी बोरोवर है, यानी कि जो भी लोन लेने वाला आदमी है, उसका
रेवेन्यू कितना है उसके बिजनेस का, रेवेन्यू कितना है, इनकम कितना है, इसके बेसिस पर डिसाइड होगा, पहला नंबर। दूसरा पॉइंट, रीपेमेंट कैपेबिलिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर, यानी कि जो लोन ले रहा है वो आदमी लोन को रीपेमेंट कर देगा, इसका वो कितना हद तक सक्षम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ध्यान दीजिए, इन्हीं चीजों में मायने रखता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपने नहीं दिया तो आपको लोन कभी नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक लोन रीपेमेंट का अलग से शेड्यूल बनाया जाता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सही जगह से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर ही लोन के लिए अप्लाई कीजिए। तीसरा नंबर पॉइंट हो गया कि क्या वो आदमी, क्या वो कंपनी ऑलरेडी कोई लोन ऑलरेडी ले रखा है, तो क्या उसका स्टेटस, यानी कि डिफॉल्टर तो नहीं है, लोन लिया है तो टाइम पे वो पेमेंट तो कर रहा है, कितना ज़्यादा अमाउंट का लोन है या कम अमाउंट का लोन है या किस नेचर का लोन है, तो ये सारा चीज़ भी मैटर करेगा। और सबसे लास्ट हो गया बैंक, सारा चीज़ डिपेंड होता है बैंक के ऊपर में। अगर बैंक को लगा कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपका बिजनेस काफ़ी बढ़िया है, जो लोन देने के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं, तो आपको लोन 100% मिलेगा। सबसे लास्ट इसमें आता है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन करते हैं, तो इस लोन को पाने के लिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है GST, बहुत ही मैंडेटरी है। GST रजिस्ट्रेशन विथ GST फाइलिंग, यानी कि GST आपका अगर नहीं है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है, पहले नंबर पर उन्होंने बोल दिया। दूसरा नंबर पॉइंट होता है इसमें इनकम टैक्स रिटर्न। ये इनकम टैक्स रिटर्न बेसिकली 3 साल का होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर बिजनेस लोन में इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल तक का ही मांगा जाता है, तो अगर आपने नहीं भरवाया है तो उसमें भी हम लोग पूरा का पूरा मदद करते हैं, हमारी टीम है, हम लोग इसको भरते हैं। आप स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल आईडी पर आप संपर्क करें या नंबर पर आप संपर्क करें। नेक्स्ट हो गया इसमें 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, 6 मंथ का बैंक का स्टेटमेंट चाहिए, और इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी आपका बिजनेस है उसका एड्रेस प्रूफ हो गया, उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लोन नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, बैंक बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लोन नहीं देती है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको चाहिए होगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आप myprojectreport.com वेबसाइट पर आप संपर्क करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।